पिचौर थाना क्षेत्र के पनिहारी गांव में किसान का शव रोड किनारे पड़ा मिला। गांव के व्यक्ति ने मृतक के परिजनों को खबर की। मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या की शंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर कायम किया। परिजनों ने पुलिस से नाम दर्ज FIR की मांग की। वहीं पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन मृतक के परिजनों ने थाने के सामने शव रोड पर रखकर चक्का जाम किया। मृतक के परिजनों ने बताया कि जिन लोगों ने हत्या की है उन लोगों से पहले भी विवाद चल रहा था, तब भी पुलिस ने हमारी FIR नहीं काटी थी। SDOP प्रशांत शर्मा ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मृतक के परिजन FIR की मांग कर रहे हैं। पुलिस द्वारा समझाइश देने के बावजूद भी चक्का जाम नहीं खोला गया। चक्का जाम में लगभग 2 घंटे से फंसे हैं लोग, यातायात हो रहा है प्रभावित। आपका जानवी लोधी। अच्छा, ये जो इनकी मृत्यु हुई कौन है आपके? चाचा ससुर। अच्छा, कैसे मृत्यु हुई, क्या कारण है? इनकी थोड़ा बहुत लड़ाई थी, कल ये घर से उठा के लाए, बोले कि खाना खिलाएंगे, पार्टी कर रहे हैं और बीच रास्ते मार के डाल गए। अच्छा, कौन लोग हैं कुछ पता चला? जी, भैया साहब के आदमी थे। और कौन कौन लोग हैं, नाम पता है? सुरेंद्र लोधी और बाकियों को मैं जानती नहीं थी, थोड़ा मेरी परिचित नहीं है, मैं नई हूँ ना यहाँ पे, इसलिए कम लोग को जानती हूँ। अच्छा, और बाकाया ये जानती हूँ उन लोगों। अच्छा, तो आप लोगों ने चक्का जाम किया है थाने के आगे? जी हाँ, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। हम लोग 10 बजे रात में वहाँ बैठे रहे, फिर ये लोग यहाँ ले आए, मगर वो ने ना उनने FIR काटी और ना कोई सुनवाई करी। अच्छा, तो आप ये चक्का जाम कब खोलेंगे? जब मेरे चाचा को न्याय मिल जाएगा और जो मेरी चाची बैठी उनके छोटे छोटे बच्चों को न्याय मिल जाएगा तब। अच्छा, न्याय के लिए आप ये चक्का जाम किया है? जी हाँ।